इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर, शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ठगों की बड़ी गैंग को पकड़ा है। साइबर पार्क में बनी एक बिल्डिंग में दरअसल ये ठगी का खेल चल रहा था। यहाँ इनका ऑफिस था। ठगों का एक समूह विदेशों में ठगी कर रहा था, लोगों को प्रलोभन देकर उनसे डॉलर ऐंठने की यहाँ पर ये तरीके ढूंढे जा रहे थे। लोगों को प्रलोभन दिया जाता था, फिर उसे डॉलर ऐंठने का काम होता था। ये ठगों की गैंग यही तो करती थी। कनाडा और यूएस के लोगों को टारगेट बनाया जाता था। मुखबिर के सूचना पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देकर आठ ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के कब्जे से लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, 3 नेट कनेक्टर सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे। शिव प्रकाश, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि ये ठगी का खेल न जाने कब से चला रहा था। फिलहाल इनसे बहुत कुछ बरामद हो चुका है, अभी हो सकता है कि और भी कई खुलासे हो। आपके पास क्या अपडेट है, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। जी, मैं पूनम बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जहां मुखबिर के इतला पर पुलिस ने छापेमारी की और वहां से 8 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। और यह सभी शातिर जो हैं राजस्थान के बाहर से हैं, कोई नागालैंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई अलग अलग जगहों से है। और यह पिछले लंबे समय से अपना एक पूरा नेटवर्क यहाँ संचालित कर रहे थे। यहाँ के जरिए विदेशों में जो कनाडा है, यूएस है, वहाँ के लोगों को ठगी का शिकार कर रहे थे और डॉलर में अपनी कमाई कर रहे थे। बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस कुछ देर बाद औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी करेगी और इस संबंध में जो आधिकारिक बयान आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है ठगी के मामले में और देखना होगा कि अब कितने मामले का खुलासा होता है, क्योंकि कई लोगों को इन्होंने अब तक अपना शिकार बनाया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अभी क्या हो सकता है कि कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ज्यादा जानकारी यहां पर दी जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा खेल चल रहा था। हो सकता है कि और भी इनके साथी हो जो अलग से अपनी गैंग बनाकर इस तरीके के ठगी का खेल खेल रहे हो। शिव प्रकाश जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से उनका नेटवर्क गिरोह चल रहा था, पूरा एक ऑफिस उन्होंने किराए पर ले रखा था और उस ऑफिस में ये सारी ठगी की जो व्यू रचना है वो रची जाती थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस मामले में और भी कई लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल उनको 8 लोगों को जिनको ऑफिस में गिरफ्तार किया है, उनसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं, उनसे पूछताछ होगी, उनकी कॉल डिटेल्स के आधार पर कई संदिग्ध हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है।